इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बार बार प्रयास करता है, सफलता भी उसी को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करने की बजाय सिर्फ इंतज़ार करता रहता है, कभी भी सफलता उसे प्राप्त नहीं होती है। हमें इंतज़ार करने की बजाय प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज बुधवार कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी सुबह 7:49 तक यह रहने वाली है और नक्षत्र अश्विनी है। योग है अतिगंधा और सूर्य आज मिथुन राशि से गोचर करेंगे और चंद्र मेष राशि से गोचर करेंगे। शुभ कार्यों के दृष्टिकोण से अभी कोई विशेष शुभ समय आज नहीं रहने वाला है, तो कोई भी कार्य जब आप करें तो उसके अंदर आप अतिरिक्त संयम रखें और अलर्ट रहें। और राहु काल का समय दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहने वाला है। और यदि आज व्रत त्यौहार के बारे में बात करें तो आज योगिनी एकादशी है। तो आइए बात करते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए 17 जून का दिन कैसा रहने वाला है। उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले दोस्तों के लिए आज भाग्य थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है। कहने का मतलब है कि आज आपको किसी भी चीज़ का यदि रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रयास अधिक करने होंगे। यदि आप कोई नए काम की तलाश कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं आपको उसमें शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि वह चीज़ आपकी फाइनल ना हो। जैसा मैंने कहा कि भाग्य मध्यम है, तो इसलिए उसके संकेत तो आपको मिलेंगे परंतु पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाएगी। स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पाचन तंत्र है उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस रह सकती है। तो इसलिए गरिष्ठ भोजन, मतलब कि कोई भी ऐसा भोजन जो बहुत देरी से हजम होता है, तो उसे ना करें। विशेष रूप से नॉन वेज से परहेज रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों का आज भाग्य बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं दिख रहा है, परंतु आप वैसे भी भाग्य के भरोसे कम ही रहते हैं, तो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं आप। आज आपको विशेष रूप से किसी भी ऐसी बहस में नहीं पड़ना है जो राजनीति से जुड़ी हुई हो, या कोई भी ऐसा मुद्दा हो कि जो जिसकी वजह से सिर्फ बहस होती हो। ख़ास तौर से जो आपके मित्र हैं उनके साथ तो ये बिल्कुल भी ना करें, वरना आज बहस में किसी तरह का मनमुटाव होने के संकेत हैं। व्यवसाय में आज आपका दिन जो है वह अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए सामान्य रहे। मिथुन राशि वाले लोगों का भाग्य आज उनके अनुकूल रहने वाला है, मतलब आज आप अपने व्यवसाय में, जॉब में, परिवार में हर तरफ काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं। व्यवसाय में विशेष रूप से आप किसी विशेष सुविधा को लेकर आ सकते हैं, चाहे वह कोई एसी हो, आरओ फिल्टर हो, या ग्राहकों के लिए कोई सुविधा हो, तो आज आप उसके ऊपर भी निवेश करने वाले हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और यह स्थिति परिवार में भी बन रही है, तो हो सकता है कि आप परिवार में भी किसी सुख सुविधा जुटाने के लिए कोई चीज़ लेकर आए। कर्क राशि वालों का भाग्य आज उत्तम बना हुआ है। काम की तलाश में जो लोग भटक रहे हैं या जो लोग प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज उन्हें कहीं ना कहीं शुभ संकेत मिल सकते हैं। व्यापार का जो संतुलन है वह आप खुद अपने हाथों में संभालना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कार्य आप अच्छे से कर सकते हैं तो वह दूसरों के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। परंतु मेरी आपको सलाह यही है कि आप बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा सोचें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर अवश्य करें। सिंह राशि वालों का भाग्य आज अच्छा रहने वाला है, परंतु आज आपको जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आप बिज़ी रहने वाले हैं काफ़ी अन्य कामों में, तो जो खास मौके हैं, जो खास डील है, आज उन्हें समय अवश्य दें, उन्हें क्लोज करने की कोशिश करें। और ये स्थिति आपकी जॉब में भी रहने वाली है। यदि आपका कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो उसे बहुत लंबे समय के लिए टाले नहीं। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए छुट्टी लेनी पड़े, तो आप उसको टाले नहीं। आप जो भी आपको डेट दी जाए उस पर जाने का प्रयास करें। कन्या राशि, अपने भाग्य से आज काफ़ी उम्मीद लगाकर आप बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि ये जो उम्मीदें हैं आपकी काफ़ी हद तक सच साबित भी हों। विशेष रूप से पारिवारिक माहौल जो है वह आपके अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि
कुछ कलह जो परिवार में डिस्टरबेंस का कारण बने हुए थे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आज सुलह हो सकती है और कहीं ना कहीं जो पारिवारिक जो माहौल बिगड़ा हुआ था वह संतुलित हो सकता है। तो इस तरफ आपको भी प्रयास करने होंगे, आप ईगो और एटीट्यूड में बिल्कुल भी ना बैठें और अपने मन पर संयम रखें। यदि आप घर में बड़े हैं तो विशेष रूप से आपको इस भाव में रहना होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने की संभावना है और आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवसाय में आपको सफलता भी मिलेगी और लाभ की प्राप्ति भी होगी, परंतु अविश्वास कहीं ना कहीं आपका आपके कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव करा सकता है। बहुत ज़्यादा तीखे शब्द या चीख चिल्लाकर आप अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ बात ना करें, सभी को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देंगे तो हो सकता है कि वह आपके साथ और जुड़कर काम करें। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हम अपना आपा खो बैठते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य का दामन आप थामे रखें। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य आज बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कार्य में विशेष रूप से आज कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो आपने कभी नहीं की, तो मतलब आज आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है और हो सकता है कि आप के जो आने वाले समय में यह चीज़ें काफ़ी काम आए। बिजनेस में आज समय आपके लिए मध्यम रहने वाला है, नफा नुकसान दोनों एक जैसे ही रहने वाले हैं और व्यवसाय में यदि देखें तो कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा आज से बेहतर रहेगा। धनुराशि, आज धनुराशि वालों का भाग्य ऐसे लग रहा है कि वह खुद निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है यदि हर अलाइनमेंट प्लैनेटरी देखें तो आज आपके फेवर में है, परंतु फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वह कभी कभी बड़ा घातक हो जाता है। इसलिए कभी भी विशेष रूप से आज आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विशेष रूप से जब आप गाड़ी चला रहे हों, कोई बड़ी डील में आप बैठे हुए हैं तो बार बार मोबाइल जो है उसका उपयोग ना करें। अपना जो ध्यान है वह डील्स की तरफ रखें, अपने कार्य की तरफ रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अवरोध जो है वह बनी बनाई बातों को बिगाड़ सकता है। तो ये एक आपके लिए संकेत है इस आज के लिए। मकर राशि वालों का भाग्य आज बहुत अच्छा रहने वाला है। जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जो काफ़ी समय से अपने कुछ कार्यों को पेंडिंग छोड़ रखा था और वह दूसरों के कार्य में लगे हुए थे, तो आज आप उन कार्यों को निपटा सकते हैं और हो सकता है कि आज आप अपने कार्यों का पोर्टफोलियो बनाएं। कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपने कोई कार्य किया है उस कार्य का आज आप संग्रह करें और हो सकता है कि उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करें। तो कुल मिलाकर आज आपकी जो एनर्जी है वह आपके खुद के कार्यों संबंधित कार्यों में लगी रह सकती है। कुंभ राशि वालों का भाग्य आज स्थिर रहने वाला है, परंतु जॉब का जो एरिया है अगर हम विशेष रूप से उसमें देखें तो आपको किसी भी व्यक्ति से अपने सिस्टम के पासवर्ड या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन शेयर नहीं करनी है। यदि शेयर करनी है तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें, आप उसे मेल भी शेयर करें और जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्हें भी आप सीसी में अवश्य रखें, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी चीज़, यदि आप किसी को अपना वाहन दे रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ कर दें, और क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है, जो कोरोना वायरस का जो सिनेरियो है, तो उन्हें जब भी वह वाहन आपका लौटाएं तो उसको अच्छे से सैनिटाइज भी अवश्य करें। मीन राशि वालों का भाग्य आज काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। आज आपकी वाणी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहने वाली है। आज आप जो बात कहेंगे उसका अलग ही प्रभाव रहने वाला है, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो या परिवार हो, हर जगह आज जो आपकी बात है वह अच्छे से सुनी जाएगी। परंतु एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कभी कभी बोलने से ज़्यादा सुनना भी बहुत आवश्यक होता है। तो यदि कोई आज आपको ज्ञान की बात देने की कोशिश करे तो पहले आप उसे सुने, उसके बाद अपना तर्क देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।